सद्गुरु, आपने बताया था कि आदियोगी ने योग के 7 आयामों में से एक एक आयाम एक एक सप्तर्षि को दिया था। आखिर वह क्या कारण था कि हर ऋषि आदियोगी के सारे ज्ञान को एक साथ पाने में सक्षम नहीं था? एक सामान्य इंसान अपने शरीर के भीतर कितना संजो सकता है? क्या इसकी कोई सीमा है? सद्गुरु, इसके कई आयाम हैं। मानव शरीर के कई स्तर या आयाम होते हैं। हमने मानव सिस्टम में मौजूद 114 चक्रों के बारे में कई बार बात की है। आध्यात्मिक तौर पर पूरी तरह से तैयार शरीर में ये 114 चक्र अपने आप में 114 संभावनाएं हैं। लेकिन अगर व्यक्ति में केवल 21 चक्र भी सक्रिय हो तो वो एक संपूर्ण भौतिक जीवन जी सकता है। तब आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आपका दिमाग और आपका शरीर अच्छी तरह से काम करेगा और आप अपने आप में अच्छे खासे सफल भी रहेंगे। इसके अलावा अगर व्यक्ति के कुछ और चक्र सक्रिय हो जाते हैं तो अचानक वह व्यक्ति किसी न किसी रूप में विशेष हो उठता है। अगर कुछ और चक्र सक्रिय हो जाएं, तो वही व्यक्ति दुनिया को असाधारण लगने लगता है। तो इस मामले में एक सामान्य इंसान द्वारा इंसानी सिस्टम के बहुत सारे आयाम अनछुए रह गए। अगर आप इसे अनुभव के लिहाज व संभावनाओं को तलाशने के लिहाज से देखें तो एक आम इंसान अपनी संपूर्ण संभावनाओं का 1% से भी कम होता है। उसकी 99% से ज्यादा संभावनाएं अनछुई रह जाती हैं। समय सीमा की वजह से ऐसा हो सकता है। औद्योगी ने सभी सप्तर्षियों को 7 अलग अलग आयाम सिखाए। हालांकि यह 7ों अपने आप में महान प्राणी थे जिन्हें शायद पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जा सकता था, लेकिन हो सकता है कि ऐसा करने के लिए उनके पास समय ना हो। तो इन 7 लोगों को 7 अलग अलग आयामों में प्रशिक्षित करना और फिर उन्हें इन आयामों को दुनिया को पहुंचाने के लिए कहना शायद ज्यादा आसान रहा होगा। हो सकता है कि आदियोगी को एक भौतिक शरीर को तैयार करने की प्रक्रिया में लगने वाला समय एक सीमा या बंधन लगा हो। मैं यहाँ मांसपेशियों पर आधारित शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। ऊर्जा शरीर को एक खास स्तर की शक्ति व स्पंदन तक विकसित करने के लिए एक खास समय की जरूरत होती है। कई मायनों में मौजूदा पीढ़ी अब तक की सबसे कमजोर पीढ़ियों में से एक है। हम लोग सिर्फ मांसपेशीय ताकत के हिसाब से ही कमजोर नहीं है, हम लोग दूसरी पीढ़ियों की तुलना में कम शारीरिक श्रम करने की वजह से अब तक की सबसे कमजोर पीढ़ी तो है ही, पर साथ ही ऊर्जा शरीर की दृष्टि से भी हम अब तक की सबसे कमजोर पीढ़ी हैं। अगर आपको लोगों से उनके भीतर से कुछ साकार करवाना है तो इसके लिए आपको पहले कई महीनों का इंतजार करना पड़ता है। आपने ऐसा नहीं किया तो वे अपना संतुलन खो देंगे और धड़ाम से गिर पड़ेंगे। पिछली 5 से 6 पीढ़ियों से हम लोग प्राकृतिक तत्वों से दूर होकर काफी सुरक्षित माहौल में रहने लगे हैं। इसी वजह से हमारा ऊर्जा शरीर इतना नाजुक और कमजोर हो गया है। मुझे विश्वास है आदि योगी के पास इससे बेहतर शरीर रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस तरीके से काम करना ज्यादा आसान लगा होगा। उन्होंने हर व्यक्ति सप्तर्षि को योग के एक आयाम में प्रशिक्षित किया और फिर वे लोग उस आयाम को दुनिया में प्रसारित करने के लिए चल दिए। यह उनका निर्णय था। इस पर सवाल उठाना मेरा काम नहीं है। मुझे विश्वास है कि उस समय जो भी सर्वश्रेष्ठ संभव था वही उन्होंने किया होगा। पूरी तरह से खाली सप्तर्षि अधियोगी की मौजूदगी से भर गए। क्या आप अपने जीवन में निराश हैं? क्या आपको भय और चिंता सताती रहती है? क्या आप सच में खुद को जानना चाहते हैं? जुड़े अध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ कोर्स के साथ जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन करें।